दोस्तों, मेरा नाम है चैतन्य और स्वागत है आप सभी का टेक्निकल चैतन्य में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही थी। इसकी वजह थी कि जो पिछली वीडियोस है उसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो इसी को रिपेयर करने के लिए मैंने अमेजोन से बोया का माइक खरीदा है। तो आज इसी की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसी विषय पर आज बात करेंगे। तो पलटे हमारे साथ हो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन भी ऑन कर दीजिए, इससे क्या होगा हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये रहा पैकेज अमेजोन का। तो यहाँ पर सब मेरा एड्रेस लिखा है और शिपिंग एड्रेस लिखा है। तो अभी हम इस साइड से खोलते हैं। दोस्तों, ये पैकेज खुल चुका है, तो अभी हम इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। तो बस दोस्तों, ये रहा, इसमें और एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर बोया का माइक रहेगा। तो बस ये अभी हमें ये अमेजोन की तरफ से मिला है, टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई कैश मेमो। तो इसको हम इस साइड में रखते हैं और इस बॉक्स को भी खोलते हैं। साइड का खुल चुका है तो, और इसमें कुछ नहीं, ये एक साइड में है। तो अभी इस बॉक्स को भी खोलते हैं। तो अभी यहाँ से भी और यहाँ से भी खोलना होगा, तो मैं यहाँ से खोलता हूँ पहले। तो ये यहाँ से खुल चुका है और मैं अभी इस साइड का खोलता हूँ। तो इस साइड का भी खुल चुका है, तो देखिए ये ओपन हो गया। ये अभी हम इसे निकालते हैं और ये बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। तो देखिए, और देखिए ये बोया का लेवियर माइक्रोफोन। तो अभी ये बॉक्स बिल्कुल सादा है, इसमें कुछ फीचर्स भी लिखे हुए हैं पीछे और कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लिखे हुए हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है बोया का माइक। इस साइड से भी खोलते हैं, तो ये निकल चुका है यहाँ से। अभी हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो देखिए ये ओपन हो चुका है। तो ये देखिए, बॉक्स को भी साइड में रखते हैं, कुछ ही नहीं। इसमें हमें एक नोटिस कार्ड लिखा हुआ है, तो उसे मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए बोया का माइक, तो ये बोया का केस है और ये सब मैनुअल इंस्ट्रक्शन। तो मुझे नहीं लगता कोई इसे पढ़ता होगा, तो अभी इसे हम बाजू में रखते हैं। हम इस माइक को भी बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए, ये निकल चुका है माइक और इसके अंदर एक सीडी का जेल है, तो इसे खाते नहीं है, तो इसे साइड में रखते हैं अभी। दोस्तों, सबसे पहले हमने बॉक्स खोलने के बाद हमें कुछ कंटेंट्स मिलते हैं छोटे से पैकेट में। तो अभी इस पैकेट को हम खोलते हैं। तो हम इसे खोलते हैं अभी। तो देखिए, हमें ये फोम विंडस्क्रीन मिला है, मतलब जो ये माइक है, ये माइक इसके ऊपर ऐसा लगाना है। तो हम भी इसे फिट करते हैं। तो हमने ये लगा चुका है। अभी ये हमें एक बड़ा सा जैक मिला है, मतलब कोई भी बड़ा कैरोके हो गया या फिर कोई भी बड़ा सिस्टम हो गया म्यूज़िक का, तो अगर ये हमें माइक यूज़ करना है उसमें, तो ये जो ये छोटा सा 3.5 mm जैक है उसमें ये फिट करना रहता है बड़े में। तो देखिए मैं इसे फिट करता हूँ, थोड़ा सा एक पुश करना रहता है। देखिए, तो
कुछ भी बड़े डिवाइस पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों कि इसके साथ हमें एक छोटी सी क्लिप भी मिली है, मतलब जो ये छोटा सा पोर्शन है उस पर ये घुसाना रहता है और फिर इसे हम किसी भी शर्ट या फिर कॉलर में लगा सकते हैं। देखिए ऐसे दोस्तों, ये माइक का सबसे मेन पार्ट है, मतलब अब यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये माइक अपने कैमरा या फिर DSLR में यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये ऊपर का बटन प्रेस करना रहता है, मतलब ऊपर की तरफ करना रहता है। और अगर आप स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हैं, किसी भी स्मार्टफोन में, तो आपको ये बटन नीचे करना रहता है। अभी इसे हम खोलते हैं। तो इसमें एक बटन से ले, तो ये जो पॉजिटिव साइड है उसको पॉजिटिव साइड की तरफ रखना है और जो नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव साइड में रखना है इसे। अगर आपको सेल निकालना है बाहर तो ये जो छोटी सी रिबिन है उसको खींचना रहता है और आप अपनी मर्जी से सेल एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस यही थी दोस्तों बोया माइक अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस। बस दोस्तों यही थी बोया माइक की अनबॉक्सिंग। बोया माइक की सबसे बड़ी खासियत है कि उसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी जो आप सुन रहे हो अभी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है और मतलब वो मेरी आवाज़ में फोकस नहीं कर रहा। तो जो ये माइक है वो सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करता है और बाकी की जो अनवांटेड नॉइज है उसको ब्लर कर देता है। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हो मेरी वो मैंने मोबाइल के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड की है। तो अभी जो आवाज़ सुनोगे आप वो मैंने बोया माइक से रिकॉर्ड की होगी। तो 1 2 3। तो दोस्तों अभी जो आपको आवाज़ आ रही है वो बोया माइक से आ रही है, मतलब आपको डिफरेंस पता ही चल गया होगा, मतलब जो अभी आवाज़ सुन रहे थे मेरी वीडियो में और अभी जो आवाज़ आ रही है वो कितना डिफरेंस है उसमें। तो इसकी यही खास बात है कि उसका ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसका सेकेंड मेन फीचर है कि ये सभी स्मार्टफोन, DSLR, कैमराज, लैपटॉप पर काम करता है। अगर ये जो मैंने अभी वो जैक लगा रखा है वो 3.5mm का है, अगर वो फिक्स नहीं हो रहा किसी बड़े डिवाइसेस में तो आप ये बड़ा सा जैक लगा सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डर उसमें या फिर कैरोके में, उस पर बैठ सकता है। तो आप ये माइक सभी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम ही है बोया ओमनी डायरेक्शनल माइक, मतलब ओमनी डायरेक्शन मतलब चारों तरफ की जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है वो सभी को ब्लर कर देता है और सिर्फ मेरी आवाज़ है उसको फोकस करता है। इस माइक में हाई कंडेंसर लगा हुआ है जिससे वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और एक बात दोस्तों, इसमें हमें जो ये विंड स्क्रीन मिला है, मतलब फोम विंड स्क्रीन, उससे क्या होता है कि जो नॉइज़ आती है या फिर ज़ोर ज़ोर से हवा आती है उसको सिर्फ कैंसिल कर देता है, मतलब एक बहुत अच्छा मेन फीचर है इसका। इसकी जो बैटरी है वो लंबे समय तक काम करती है, तो मुझे लगता है कि ये माइक की जो बैटरी है वो 10 से 11 महीने तक आराम से चल सकती है। तो उसके बाद आपको शायद से इसकी जो बैटरी है वो चेंज करना पड़े। तो दोस्तों इसकी जो वायर है वो बहुत ही बड़ी है, मेरे ख्याल से 6 मीटर है। अगर मैं अपने दरवाजे में ये कैमरा रखूँ, उसको बोया माइक को से कनेक्ट कर दूँ और नीचे तक जाऊँ तो वहाँ तक भी पहुँच सकती है माइक। तो आप इमरजेंसी में इस माइक को रस्सी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे लोगों के स्मार्टफोन में एक प्रॉब्लम आता है कि बोया माइक उनके फ़ोन को सपोर्ट नहीं करता और लोग क्या कहते हैं कि ये माइक ही बेकार है, हमको ख़राब माइक आया है। तो ऐसा नहीं है, क्या होता है कि जो माइक है बोया का वो गिने चुने फ़ोन को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन, अलग कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो उसको डाउनलोड करके आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, उसमें आपको वीडियो को ऑप्शन सिलेक्ट करके नीचे जाकर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा फिर से कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो उस पर क्लिक कर
और एक ऑप्शन आएगा एक्सटर्नल माइक की प्रेजेंट, उसको टिक मार्क करके फिर बैक बैक जाकर आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वीडियो। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो मैंने पूरी एक्सटर्नल कैमरा एप्लीकेशन से रिकॉर्ड की है। आप ये माइक कहाँ पर भी कैरी कर सकते हैं, ये जो हमें पाउच मिला है लेदर का बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसमें डालकर आप अपने पॉकेट में डालकर कहाँ पर भी ले जा सकते हैं, तो बहुत इजी है कैरी करने में। दोस्तों ये जो माइक है वो उसकी प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो मुझे ये माइक 1500 में पड़ा है और इसके कुछ 45 एक्स्ट्रा लगे हैं डिलीवरी चार्जेस के। तो अगर आपको ये माइक ख़रीदना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ पर लिंक दी है, वहाँ पर जाकर खरीद सकते हैं। और ये माइक बहुत ही चीप है बाकी माइक की कंपेयर में, क्योंकि उसकी जो वायर की लेंथ है वो बहुत ही छोटी रहती है और उसका कॉस्ट भी बहुत बहुत ही हाई रहता है। तो ये बोया का माइक है वो बेस्ट बजट माइक्रोफोन है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये लैपल माइक या फिर कॉलर माइक बहुत ही सस्ता, तो मेरे साइड से इसको 10/10 है। इवन आई ये माइक बहुत ग्रेट यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके टेक्निकल गुरुजी, बिंग देसी, धर्मेंद्र सर, प्रिंस चंद्रा, टेक्निकल दोस्त, इवन टेक्निकल सागर भी ये माइक यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ता माइक है, बजट में आता है और अपनी डिमांड फुलफिल करता है। आई होप आपको ये माइक्रोफोन और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये माइक्रोफोन ख़रीदना है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि मैं धीरे धीरे व्लॉग्स भी डालने वाला हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ और व्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन भी ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिला करेगी। दोस्तों मैं वीडियोस पर लाइक का एम भी रखने वाला हूँ, तो इसी वीडियो से चालू करते हैं। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 15 लाइक्स का। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अगर दूसरों को भी ये माइक ख़रीदना हो तो उनको भी ये माइक के बारे में और जानकारी मिले, और जिनको जानकारी नहीं है इस माइक की तो उनको भी जानकारी मिले। आपकी कोई भी सुझाव हो या फिर कुछ भी डाउट्स हो इस माइक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% आंसर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।